112 साल पुराने चर्च के अंदर मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाएंगे, भारी तादाद में यहाँ पर लोग क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीर आपको एक ये भी दिखाएंगे किस तरह से जो चर्च है उसको पूरी तरह से सजाया गया है। काफ़ी तादाद में लोग भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरह से इस क्रिसमस डे को वो लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कितनी तैयारी इसकी करते हैं, किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? नवीन जॉर्ज नाम है। कहाँ से आप आए? मैं गाजियाबाद से। अच्छा, क्रिसमस डे है आज, 25 दिसंबर है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या तैयारियाँ इसमें करते हैं? सबसे पहले तो क्रिसमस एक्चुअली दिसंबर पूरा का पूरा क्रिसमस से शुरू होता है। अच्छा। इसमें चर्च डेकोरेशन है, प्लस अपना फैमिली गेट टुगेदर होता है, और सबसे बड़ी बात ये जो चर्च के अंदर हम लोग आते हैं इबादत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसके एक सजदा करने के लिए आते हैं, क्योंकि आज के दिन वो पैदा हुआ था बैतलहम में, तो इसलिए प्रभु का वचन सुनने के लिए और लोगों से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए हम लोग सब यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए आते हैं। 112 साल पुराने इस चर्च को बताया जाता है क्रिसमस का आज त्यौहार भी है, किस तरह से ये बनाया जाता है, क्या? मैं सबसे पहले तो अपने खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आपको यहाँ पर भेजा। जनहित मीडिया या जनहित चैनल जो है आपका, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पावन पर्व पर जो कि क्रिसमस का त्यौहार है यहाँ पर आए हैं। जैसा आपको मालूम है पहले से, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हमारा चर्च जो है गाज़ियाबाद के लिए बड़ा ब्लेसिंग का चर्च है। ये चर्च 112 साल पुराना चर्च है जिसके अंदर मैं और आप आज खड़े हुए हैं, और इस चर्च से लगभग मैं पिछले 40-45 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे चर्च के जो फादर है वो रेवरेंड टी.वी. पीटर साहब हैं। इस समय आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज जो 25 दिसंबर है जिसको हम पूरी दुनिया जानती है कि ये जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं या वो विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए थे वो समझ जाति सारे प्राण कोई भी जो भाषा बोलता है सबके लिए आए थे, क्योंकि उनका जो प्यार का संदेश था वो इस बात से शुरू होता है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर लेकर आए वो प्यार को लेकर आए, त्याग को लेकर आए, समर्पण की भावना को लेकर आए, और सबसे बड़ी शांति का पैगाम लेकर आए। और हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस चर्च में आप खड़े हैं यहाँ पर हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात मैं समझाना चाहता हूँ ये चर्च जो है हमको जो टीचिंग दी जाती है ये सबसे अलग, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए शांति का पैगाम दिया जाता है, और यहाँ पर अपने देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए हम लोग यहाँ पर संदेश देते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद ही शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार शांति का पैगाम लेके इस दुनिया के अंदर आया था जिसका आज जन्म दिवस है, और इसमें मैं आपका अनेक अनेक हृदय से धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद परमेश्वर यीशु जिसे भी आप जानते हो आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू। और भी लोगों से बातचीत, हमारे चर्च के फादर, चर्च काफ़ी चर्च को पूरी तरह से सजाया गया है, काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या मान्यता इस चर्च की मानी जाती है? चर्च की जी, चर्च की मान्यता नहीं होती, चर्च मान्यता तो परमेश्वर की और यीशु की है ना, ये तो बिल्डिंग है ना, तो मान्यता ये है कि वहाँ मांगो तो मिलता है, यीशु नाम से मांगो तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपकी परेशानियों को दूर करता है, आपको आशीष देता है और आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए रास्ते साफ करता है, तो उसकी आशीष है आपके लिए। 25 दिसंबर आज है, पूरे देश भर में पूरी दुनिया के अंदर त्यौहार खुशी के साथ मनाया जाता, क्या क्या तैयारियाँ गाज़ियाबाद में की जाती हैं? तैयारियाँ अलग नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं जिन्हें क्या कहें, तैयारियाँ तो 1 दिसंबर से चलती हैं है ना, और रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, थैंक्स गिविंग है, गैदरिंग है, प्रभु को धन्यवाद देना है, और प्रभु की शान में गाना है, प्रभु की शान में प्रचार करना है, और उसी के बारे में बताना और परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो ऐसा साधारण धर्म परिवर्तक नहीं है, वो परमेश्वर है, निराकार परमेश्वर अवतरित हुआ, यही बड़ा दिन है, जिस दिन परमेश्वर जो निराकार है, शब्द वचन
वो आकार में आया, मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के बराबर आया। ये बड़ा दिन है, परमेश्वर नहीं आया, परमेश्वर ने अपने आप को अवतरित नहीं किया, यीशु में अवतरित किया। ये फादर जी, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है इस त्यौहार को लेकर, कैसे कैसे लोगों को बताया जाता है, किस तरह से आप इस त्यौहार को मना सकते हैं? इस त्यौहार को जागरूक हम नहीं करते, लोग जागरूक होते हैं, स्वयं जानते हैं यीशु को, बड़ी नज़दीकी से जानते हैं, और जो जानते हैं वो आते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं आते। अच्छा, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं इस चर्च के अंदर? इसमें चर्च में हमारे जो लोग हैं, जो हमारे चर्च के जो धर्मावलंबी है और जो धर्म में चलते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे यहाँ, वही लोग आते हैं, है ना। और कोई आ जाता, उनका मित्र आ जाए, उनका साथी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, वो बात है, वही आते हैं जो होते हैं। हमारा नाम सुनीता जॉर्ज है। चर्च आप पहुँचे, किस तरह से तैयारी आपने की, कितना अहम इसमें? तैयारियाँ तो हम लोग जो अक्टूबर महीने मंथ से स्टार्ट हो जाती हैं, और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जिसने हमारे गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए अपने आपको दे दिया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए इंसान बन के दुनिया में आए और हमको वो जीवन दे गए जो आनंद का जीवन है, तो इसी की खुशी के लिए हम लोग आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 112 साल पुराना इस चर्च को माना जाता है, क्या मान्यता इस चर्च की मानती है? ये चर्च बहुत ही प्रार्थनाओं से बना हुआ है, और यहाँ पर जो भी हमने जो भी चीज़ मांगी है परमेश्वर से, हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आशीषित हुए हैं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से मिला है। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आके मांगते हैं वो पूरी होती है? हाँ जी, बिल्कुल। आपकी देखिए, अगर आपका फेथ है तो आपको हर चीज़ मिलेगी, जो भी आप मांग रहे हो अपनी दुआओं में, उस प्रार्थना से जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप इस त्यौहार को? इसमें हम लोग घर में केक बनता है, घर सजाते हैं, क्रिसमस के दिन नए कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ भवन में आते हैं, फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमसे जो भी गलती पाप होते हैं हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद हमको बोलते हैं कि हम ये चीज़ें दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि माफ़ी मांगने के बाद जी, ये हमारा क्रिसमस का बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको इसमें हम लोग बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं, और घर में केक बनता है, पकवान बनता है, और घर सजाते हैं, और ये त्यौहार ऐसा है, क्रिसमस ऐसा त्यौहार है कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, केवल इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में मनाया, पूरे वर्ल्ड के लोग इसको बहुत ही खुशियों से मनाते हैं और बहुत ही खुशियों से सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे और हम लोग के दिल में जन्मे। अच्छा, तो इसकी तैयारी, क्योंकि बड़ा त्यौहार है तो तैयारी भी बहुत पहले से शुरू है? हाँ, हम लोग तैयारी करते हैं नवंबर से करते हैं, वाइट वॉश कराना, घर सजाना, घर के क्रिसमस ट्री सजाने के लिए नए नए गिफ्ट उसमें ला के टांगना, और इसके लिए हम लोग काफ़ी नवंबर से हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, फिर दिसंबर तक आके बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। अच्छा, बच्चों को किस तरह से तैयारी, बच्चों के लिए क्या अलग किया जाता है जैसे त्यौहार पर? बच्चों को नए कपड़े दिए जाते हैं, नई चीज़ें सिखाई जाती हैं कि मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, अपने दोस्तों के साथ रहना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे कोई हमारे वजह से हर्ट हो जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें शेयरिंग करनी है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस चर्च के अंदर हम मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से ये चर्च को पूरी तरह से सजाया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आज के दिन आते हैं और क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बात करी जाए इस चर्च की, 112 साल पुराना ये चर्च है, काफ़ी जो लोग हैं वो इस चर्च से जुड़े हुए हैं और यहाँ चर्च पर आते हैं और देश के अमन और चैन के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं।